नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में, वो भी सीआरपीसी के प्रोविजन के हिसाब से, यानी कि दोस्तों चैप्टर 9, जिसमें सेक्शन 125 से लेकर 128 तक कवर होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। मेंटेनेंस या ये कहें भरण पोषण गुजारा भत्ता कितना ज़रूरी है एक इंसान की ज़िंदगी में, और वहीं अगर वो इंसान कोई महिला हो, बच्चे हो या फिर बूढ़े माँ बाप, तो उनके लिए तो ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए जब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बनाया जा रहा था, तो एक प्रोविजन या ये कहें एक चैप्टर जो है उसमें मेंटेनेंस का भी डाला गया, जिसे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि मेंटेनेंस सेक्शन 125 से लेकर सेक्शन 128 सीआरपीसी में कवर होता है। वैसे तो दोस्तों मेंटेनेंस बहुत सारे एक्ट और बहुत सारे लॉज में कवर होता है, पर स्पेशली आज हम बात करेंगे सीआरपीसी के अंडर मेंटेनेंस के बारे में। शुरू में हम बात करते हैं पहले सेक्शन 125 की, जो बात करता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उचित साधन होते हुए भी, यानी कि सफिशिएंट मींस होते हुए भी, अपनी वाइफ जो कि अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है, असमर्थ है, या फिर उसके लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर बच्चे जिनकी शादी हुई हो या ना हुई हो, अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ हैं। तीसरे नंबर पर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बच्चे जो मेजर हैं, दोस्तों मैरिड डॉटर को यहाँ पर छोड़कर, जो फिजिकली या मेंटली अबनॉर्मल है, इंजर्ड है और अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है, या फिर उस व्यक्ति के फादर और मदर जो कि अनेबल हैं अपने आप को मेंटेन करने में, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को ऑर्डर कर सकती है इन लोगों को मेंटेन करने के लिए, या ये कहें कि इन लोगों को मेंटेनेंस के तौर पर अलाउंसेज, मंथली अलाउंसेज देने के लिए। और दोस्तों इस सेक्शन में हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि मान लीजिए मेंटेनेंस का केस प्रोसीडिंग्स जो है वो लंबी चल रही है, और उस व्यक्ति को जिसने केस डाला है, जो इस टाइम पेटिशनर है, उसको खर्चे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, या ये कहें मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करके इंट्रीम मेंटेनेंस अपने लिए बंधवा सकते हैं, जिसको हम इंट्रीम मेंटेनेंस ऑर्डर भी कहते हैं। अब हम आप लोगों के साथ में एक चीज़ डिस्कस करना चाहेंगे। आपने ऊपर पढ़ा होगा कि अपनी वाइफ जो कि अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अब वाइफ कैसी, आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि वाइफ कौन या वाइफ कैसी। तो वाइफ यानी कि उस महिला को भी वाइफ माना जाएगा जिसने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया है, या डाइवोर्स लेने वाली है, या डाइवोर्स के लिए कोई केस डाल रखा है। तब तक वो महिला उसी व्यक्ति की वाइफ मानी जाएगी जब तक वो किसी दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं करती है, और वो महिला भी अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, या ये कहें गुजारा भत्ता क्लेम कर सकती है। और ये मेंटेनेंस या ये कहें इंट्री मेंटेनेंस या जो भी अलाउंसेज है, वो तब से दिए जाएंगे जब से मजिस्ट्रेट जो हैं उसको देने का ऑर्डर करेंगे, यानी कि जब से ऑर्डर पास हुआ तब से मेंटेनेंस बंध जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ और है कि कब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं है, या ये कहें कि कब कोई वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने के लिए इंटाइटल नहीं है। तो इसमें कुछ एक चीज़ है कि जब वाइफ जो है वो अडल्ट्री में रह रही हो, यानी कि किसी अदर पर्सन के साथ में रिलेशन में हो, या फिर वो अपने हस्बैंड के साथ में रहने के लिए मना कर दे, या फिर दोनों हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेट रह रहे हों, यानी कि दोनों आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग रह रहे हों, तब वाइफ जो है, महिला जो है, अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। और दोस्तों मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर पास कर दिया किसी महिला के फेवर में मेंटेनेंस का, और पता लगता है कि वो महिला जो है वो अडल्ट्री में रह रही थी, अब सफिशिएंट रीज़न है मजिस्ट्रेट के पास में उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए। तो ये तो थी सेक्शन 125 में मेंटेनेंस की बात। अब क्या एक महिला सिर्फ सीआरपीसी के थ्रू सेक्शन 125 में ही मेंटेनेंस दे सकती है?
तो दोस्तों नहीं, अगर वो महिला हिंदू है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में भी मेंटेनेंस ले सकती है, और अगर कोई महिला किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 23 में भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। साथ ही साथ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के सेक्शन 18 में भी एक हिंदू महिला मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, और सेक्शन 36 स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में भी महिला जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इन एक्ट के साथ साथ कुछ एक एक्ट और भी हैं जिनमें महिलाएं जो हैं मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। अब दोस्तों आपके मन में कुछ सवाल होंगे, हम जानते हैं, जिनको हमने अगली स्क्रीन पर दिखाया, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या एक हिंदू डाइवोर्सी महिला, डाइवोर्सी वाइफ पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है। शायद आप लोगों के मन में ये सवाल आया हो, क्योंकि मेरे मन में तो बहुत पहले आया था। तो जो कि हमने पहले पढ़ा कि जब तक वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में शादी नहीं करती है, तो चाहे उसका तलाक हुआ हो, होने वाला हो, या उसने पेटिशन डाल रखी हो तलाक की, फिर भी वो अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, क्योंकि तब तक जब तक उसकी शादी दूसरे व्यक्ति से नहीं होती वो उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी मानी जाएगी और उस व्यक्ति की लायबिलिटी होगी उस पत्नी का भरण पोषण करने की। अब एक और सवाल कि क्या मुस्लिम महिला CRPC के अंडर सेक्शन 125 में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, एक मुस्लिम महिला CRPC के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। जब हमने शाहबानो वाली वीडियो बनाई थी, शाहबानो का केस हमने जब बनाया था वीडियो, उसमें हमने आपको साफ बताया था, क्योंकि CRPC जो है एक यूनिफॉर्म कोड है, वो सब पर इक्वल एप्लीकेबल होता है, इसलिए एक मुस्लिम महिला जो है वो CRPC के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अब दोस्तों एक बात हमारे सामने आती है कि अगर कोई महिला कैपेबल है अर्न करने के लिए तो क्या वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? यानी कि मान लीजिए जो हस्बैंड है वो 10th पास है और वाइफ जो है वो ग्रेजुएट है, हस्बैंड से अच्छी उसकी क्वालिफिकेशन है, तो क्या वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से, क्योंकि वो कैपेबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए? तो दोस्तों इससे रिलेटेड हमारे सामने बहुत सारे केस आए जिसमें बताया गया कि अगर कोई महिला कैपेबल है तो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, फिर कुछ में बताया गया कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, और एक केस में एक कोटेशन दी गई ऑनरेबल जज साहब के द्वारा जिसमें बताया गया कि कैपेबल ऑफ अर्निंग एंड एक्चुअल अर्निंग में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, कि क्योंकि एक महिला कैपेबल है अर्न करने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में अर्न कर रही है या कर सकती है, इसलिए इस बेस पर कि महिला कैपेबल है अर्न करने के लिए उसको मेंटेनेंस ना देना गलत होगा। दोस्तों सेक्शन 125 से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें कर ली, मेंटेनेंस से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब मेंटेनेंस का प्रोसीजर क्या होगा, यानी कि कैसे मेंटेनेंस लिया जाएगा, वो बताया गया सेक्शन 126 में जो बात करता है प्रोसीजर की। तो इसमें बताया गया है कि जो मेंटेनेंस का जो प्रोसीजर है वो किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट लिया जा सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। इसमें हमें 3 चीज़ें देखनी है, पहला जहाँ पर वो व्यक्ति रह रहा है वहाँ पर केस डाल सकते हैं, दूसरा जहाँ पर वह व्यक्ति और उसकी पत्नी रह रहे हैं उन दोनों जगह में से एक जगह पर केस डाल सकते हैं, और तीसरा जहाँ पर पति और पत्नी लास्ट एक साथ रहे हों उस जगह पर भी केस डाल सकते हैं। दोस्तों सेक्शन 126 में हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, इसी में एक प्रोविजो दिया गया है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ केस डाला गया है वो व्यक्ति जानबूझकर समन मिलने के बावजूद भी, समन की सर्विस होने के बावजूद भी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है, कोर्ट में नहीं आ रहा है, तो कोर्ट के पास में पावर है, मजिस्ट्रेट के पास में पावर है कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री जो है वो पास कर सकती है। यानी कि दोस्तों उस व्यक्ति के खिलाफ एक तरफा ऑर्डर जो है वो जज साहब पास कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 127 यानी कि ऑल्ट्रेशन इन अलाउंसेज, यानी कि जो गुजारा भत्ता दिया जा रहा है, जो मेंटेनेंस दिया जा रहा है उसमें चेंजेस परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और किया जा सकता है तो किन बेसिस पे किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया सेक्शन 127 में। तो दोस्तों इस सेक्शन में बताया गया है कि जब चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस होते हैं, यानी कि सर्कमस्टांसेस में कुछ चेंजेस आते हैं और वो प्रूफ हो जाता है, तो जज साहब जो हैं, जो मजिस्ट्रेट जो हैं, वो मेंटेनेंस के ऑर्डर में अल्टरेशन कर सकते हैं, यानी कि मेंटेनेंस को घटा बढ़ा भी सकते हैं। अब ये किन केसेस में होता है, मान लीजिए अभी जो हस्बैंड है उसकी नौकरी नहीं लगी है, तो जज साहब ने जो ऑर्डर पास किया वो मिनिमम वेजेस के बेस पे कर दिया, पर कुछ टाइम बाद जो हस्बैंड की नौकरी है वो लग जाती है जिसमें वो अच्छा कमा रहा है, 25,000 30,000 35,000 कमा रहा है, तो अब
क्योंकि जो पहले मेंटेनेंस का ऑर्डर था वो मिनिमम वेजेस के हिसाब से था, और अब जो उसकी सैलरी लग गई है वो अच्छी सैलरी है, तो अब वाइफ जो होगी वो अपने मेंटेनेंस के ऑर्डर में चेंज कराने के लिए सेक्शन 127 की पेटिशन कोर्ट में लगाएगी। और क्योंकि यहाँ पर सरकमस्टांसेस में चेंज हुआ है तो जज साहब उस पेटिशन पे सुनवाई करेंगे और जहाँ तक होगा अपने मेंटेनेंस के उस ऑर्डर में ऑल्टरेशन करेंगे। अब बात करते हैं आखिरी सेक्शन यानी कि सेक्शन 128, इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स एज द केस मे बी। यानी कि दोस्तों जो ऑर्डर किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा उसकी इन्फोर्समेंट कैसे होगी और कब से होगी, तो इसमें बताया गया है कि जब जज साहब जो हैं वो ऑर्डर करेंगे मेंटेनेंस का, तो उसकी जो कॉपी है उस व्यक्ति को फ्री में दी जाएगी जिसके फेवर में वो मेंटेनेंस का ऑर्डर किया गया है। यानी कि पेटिशनर को उस मेंटेनेंस की कॉपी जो है वो ऑर्डर की कॉपी जो है वो फ्री में दी जाएगी, और वो मेंटेनेंस तब से लागू हो जाएगा जब से जज साहब ने वो ऑर्डर पास किया है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आपको मेंटेनेंस के ऊपर सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहे तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप लोगों ने अगर हमें वहाँ पर अभी फॉलो नहीं किया है तो हमें फॉलो करें। अगर आपका कोई डाउट है तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, नहीं तो वीडियो में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हमारी वीडियोज़ अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, कुछ डाउट है तो हमें कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।